हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल द यूनिक फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई और नतून बछरे अनेक अनेक शुभेच्छा ओ अभिनंदन ओ अमर भालोबासा। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं यह अच्छी हूँ और आई होप आप लोग भी बहुत 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 अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे और सैनिटाइजर का यूज़ ज़रूर कर रहे होंगे, हैंड वॉश कर रहे होंगे और घर से बाहर जाते वक्त मास्क का यूज जरूर से कर रहे होंगे। और उससे भी मोस्ट ये है कि आप लोगों ने भी शायद अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो आप सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे भारत में, भारत का ही ऐप है ये, और इस ऐप को बल्कि 11 लैंग्वेज में हम यूज़ कर सकते हैं। जो आपका लैंग्वेज है आप उसी लैंग्वेज में इसे यूज़ कर सकते हैं और खुद भी सेफ रह सकते हैं और आसपास के सभी लोगों को, हमारे फैमिली वालों को, बल्कि आपके फैमिली वालों को, सब लोगों को आप स्वस्थ रख सकते हैं। सो आप भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके आरोग्य सेतु ऐप का, बल्कि आरोग्य सेतु ऐप नाम लिख के आप सर्च कीजिए। उसके बाद सारा प्रोसेस आपको खुद से ही आ जाएगा, इसे आपको ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर आप वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपके पास 4 डिजिट का वेरीफाइड कोड आएगा, तो जिससे कि आपका नंबर वेरीफाइड हो जाएगा और आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद आपसे कुछ कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चनों का आप आंसर दे दीजिए सटीक सटीक। सो कौन मतलब कि क्वेश्चन ये होगा कि आपका एज, आपका जेंडर, फिर आप 30 डेज में कहीं मतलब कि बाहर कंट्री तो घूमने नहीं गए हैं, आपको फीवर, हाइपरटेंशन, फिर कफिंग, ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसमें हाँ या ना में आप आंसर दीजिए और जरूर से आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद भी स्वस्थ रहिए और आसपास के सभी लोगों को स्वस्थ रखिए। और सबसे मोस्ट ये है ये आरोग्य सेतु ऐप से कि आरोग्य सेतु ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं तो हम जिस एरिया में हैं या हमारे घर पे मैं अभी हूँ, तो घर के मतलब कि 100 मीटर एरिया में अगर कोई पेशेंट आता भी है, कोई व्यक्ति आता भी है यहाँ, तो मुझे आरोग्य सेतु ऐप से मुझे मैसेज मिल जाएगा कि हाँ, और वो मुझे लोकेशन भी दिखा देगा कि इस लोकेशन में ऐसा व्यक्ति आया है। तो आप लोग भी डाउनलोड कीजिए ज़रूर से। तो बता दिया आप लोगों को। सो मैं अभी दिखाऊंगी मेरा मंदिर, कि अभी हमारे मंदिर को बाहर से डिज़ाइन वगैरह बनाया जा रहा है। तो ये देखिए ये मंदिर में, क्योंकि मंदिर एकदम सिंपल था तो मंदिर में ये डिज़ाइन वगैरह बनवा रहे हैं, जिससे कि अभी मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अभी तो स्टार्ट हो रहा है बनना और काफ़ी हो भी गया है, अब इसे पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। सो देखिए पहले एकदम सिंपल था, ऊपर भी एकदम सिंपल है, और अब ये डिज़ाइन वगैरह बन जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो ये डिज़ाइन कितना ज़्यादा सुंदर बना है, ये देखिए। तो मंदिर डायरेक्ट ओपन होगा शाम को, जब मतलब कि पूजा वूजा करेंगे तभी मंदिर ओपन होगा। हम पर्दा खोलेंगे, इससे पहले मैं पर्दा नहीं खोल सकती, सो सॉरी। तो अभी हम लोग हैं छत पे, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है। सो मैं और खुशबू टहल रही है। हेलो, कैसे हैं आप? सबको मेरा प्रणाम। आज सब बांगली बंधु देर कैमन आछेन आपनारा? अब कंटिन्यू नौटंकी बाज है तो नौटंकी करना भी बनता है, तो थोड़ा वही नौटंकी करके चली गई है। सो आज काफ़ी अच्छा वेदर है, काफ़ी अच्छा मतलब कि हवा भी चल रहा है, नहीं तो अभी एक दो दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि नहीं बोल सकते कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि रात को सो भी नहीं पाते। और यहाँ तो ऐसा है कि जैसा मतलब कि गर्मी पड़ जाएगा
तो अब से लाइट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सोचिए जिनके घर में इन्वेटर नहीं है फिर, तो उनका क्या हालत होता होगा। ये नौटंकी ज़रूर है कि ये रात के 1 बजे ज़रूर चली जाएगी, और पता नहीं कब आती है ये तो नहीं पता, लेकिन जब जाती है तब पता रहता है कि हाँ गई, लेकिन कब आती है वो नहीं पता। तो अभी थोड़ा टेंशनबाजी भी चल रहा है कि पता नहीं कब ये लॉकडाउन ओपन होगा और कब क्या करेंगे। अभी पापा जी भी कह रहे कि मैं एमपी जाऊंगा, सो अभी पापा जी चले जाते 15 तारीख को, शायद पापा जी चले जाते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी पापा जी कह रहे थे कि खुलेगा खुलेगा करके। पापा जी भी परेशान हो रहे कि फ़र्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे, और फर्स्ट टाइम आके ही मैं इतना दिन रह रहा हूँ। सो वो भी थोड़ा आई नो बुरा लगता है कि यार एकदम से हम आए हैं और यहीं पर हम लोग रुक गए हैं। सो देखते हैं कैसा क्या होता है। और दिल्ली का उधर का तो बहुत ज़्यादा बेकार है अभी तो। पधार गए मेरे, ये देखिए इनका मुंह तो हर वक्त ऐसे बना होता है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया है, मुझे यही समझ में नहीं आता। और ये देखिए ये जो मम्मी ने कर रखा है, सॉरी तो ये मम्मी ने कर रखा है इस पे लौकी के बेल के लिए। सो ये थोड़े अभी टेंशन में है क्योंकि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करेंगे, तभी ये ऐसे देखिए भूत की तरह घूमते रहेंगे। और ये है हमारे घर पे जो कि फर्स्ट वैसाख में जो पूजा किए थे पापा, तो उसका। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो कि ये देखिए, ये मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, तो इस बार इसमें वो जो कली थे तो सब कली खिल कर ये अब इतने सुंदर रोजेस हो गए हैं। तो ये देखिए एक साथ कितने सारे हैं।